झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के तत्वाधान में डीसी ऑफिस गेट पर विशाल धरना आयोजित किया गया। धरना में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया और अपने आक्रोश का इजहार किया। इस धरना चार सूत्री मांगों को लेकर इसका प्रारंभ किया गया। इसके पूर्व जिला शाखा गिरिडीह ने 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर और रैली प्रदर्शन कर मांग रखी। मांगों में मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान, पर्यवेक्षकों के पदों पर 100% प्रोन्नति सहित कई मांगे हैं। लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां रखे हैं डीसी साहब के समक्ष। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूं कि हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को हर तरह से मांग रैली के धरना प्रदर्शन के किसी के माध्यम से मांग रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सभी नारी हैं और हम लोग अबला नारी इतने समझ रखे हैं सरकार कि जितने भी काम है हम लोग को देते हैं, हम लोग एकदम निष्ठापूर्वक से करते हैं। चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे हमारे मैया योजना का काम हो, सावित्री बाई फुले का काम हो, या सर्वजन पेंशन योजना का काम हो, मतलब आंगनबाड़ी के छोड़कर अगर दूसरा भी कोई भी काम हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का काम हो, जितने भी तरह का काम हो, हम लोग निष्ठापूर्वक से काम करते हैं। उस तरह से सरकार हमारी जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी उस तरह नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब लेके हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें हमारी चार सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले मेरा न्यूनतम मजदूरी हो, दूसरी बात जो महिला पर्यवेक्षिका पर प्रोन्नति सीधा होना चाहिए, और तीसरी जो हमारी सेविका बहने रिटायर हो रही है, सहायिका को 5 लाख और सेविका को 10 लाख एक मुश्त राशि दिया जाए, और जो हमारी मानदेय वृद्धि है वो अभी तक नहीं मिला है, वो भी एक हमारी ससमय मानदेय देने की गारंटी हो। यही सब लेकर आज की धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और हम सरकार को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, आपकी हर योजना को सफल